नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में और संपूर्ण जानकारी जो एक बैंगन की खेती करने के लिए किसान को चाहिए वो इस वीडियो के अंतर्गत आपको हासिल हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम इसमें बात करेंगे जो खरीफ के फसल में अर्थात बरसात के टाइम में मई से लेकर के और अगस्त तक जो बैंगन की खेती की जाती है उसके बारे में। इसकी जो फसल अवधि होती है उसके बारे में हम बात करें तो लगभग 50 से और 90 दिनों के बीच में ये जो अपनी फसल है वो तैयार हो जाती है। ये डिपेंड करता है जो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियां आती हैं। कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो जल्दी अपने को फ्रूट देती हैं और कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो समय के बाद में हमें जो फल है वो देती है। सबसे पहले हम बात करें कि बैंगन की खेती के लिए जो जमीन है वो किस तरह की होनी चाहिए। बैंगन की खेती के लिए चिकनी या जो रेतीली दोमट मिट्टी है वो अच्छी मानी जाती है। साथ में अपनी जो भूमि है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यदि अधिक है तो वो भी अच्छी मानी जाती है। एक और चीज, जो भी खेत हम जहाँ पे बैंगन की खेती करना चाहते हैं उसमें जल निकास की अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ये तो बैंगन की खेती या कोई भी आप फसल लगा रहे हैं तो उसमें जल भराव वो नहीं होना चाहिए, हम एक अच्छी जो पैदावार है वो ले सकते हैं। पीएच लेवल की यदि हम बात करें तो हमारी भूमि का पीएच 5.5 से और 6.5 या 7 के बीच में है तो फिर वो अच्छी है, वो मानी जाती है बैंगन की खेती के लिए। जमीन की तैयारी के बारे में हम थोड़ा सा बात। तो सबसे पहले आप जो अपना खेत की मिट्टी है उसको 20 दिन पहले पलटने वाला जो हल होता है उससे गहरी जुताई करें, जिससे जितने भी जो खरपतवार हैं जाएंगे और जब हमारी फसल है वो तैयार होगी तो उसमें वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। खाद की यदि हम बात करें तो भाई अच्छी पैदावार के 10 से 12 टन जो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सड़ी गोबर की खाद वो डालो, 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा आता है जिसकी वीडियो हमने डाल रखी है अपने चैनल के ऊपर, वो आप इसके अंदर जरूर मिलाएं। में आप एक गहरी जुताई इसमें करें और फिर इसको पाटा लगा करके बिल्कुल प्लेन कर दे अपने खेत। जो पल्लेवा होता है, पड़ाव जिसको बोलते हैं, पानी देते हैं जो हम, वो अच्छी तरह से इस जमीन को भिगो दें जिससे जितने भी खरपतवार हैं वो उग जाते हैं तो बाद में फसल में उनका खतरा कम हो जाता है। करने के 10 दिन बाद में जब खरपतवार उग जाते हैं आपके खेत में तो उस समय आप इसमें जुताई करें। 2 बार कल्टीवेटर आप चला सकते हैं इसमें आधी तिरछे प्रकार से और फिर जो पाटा लगाकर खेत को बिल्कुल समतल कर। इस तरह से जो हमारी जमीन है वो बैंगन की खेती के लिए भी एकदम तैयार है। तो नर्सरी की यदि हम बात करें तो भाई सबसे पहला सवाल आता है कि नर्सरी है वो, एक एकड़ की यदि हम बात करें तो एक एकड़ में पौध लगाने के लिए आपको 4 से 7 मीटर तो लंबी और 7 में 1 मीटर जो चौड़ी नर्सरी है तैयार करनी है एक प्रकार से। उसमें आप गोबर की खाद डालें, उसके साथ में जो कार्बोफ्यूरान आता है 10 ग्राम वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें डालें आप। साथ में जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है वो भी आप पानी में 1 लीटर के हिसाब से घोल बना करके इसमें डाल दें तो जिससे जो हमारे पौधे हैं जो बढ़वार है वो सही हो। इसके बुआई करने के जब 15 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में आप 5 ग्राम जो NPK 19-19-19 फॉर्म में आती है उसको 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसमें स्प्रे करें जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक। अब हम बात करते हैं कि भाई एक एकड़ में जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं एक एकड़ के लिए उसमें कितने जो बीज हैं वो हम डालें। लगभग 400 ग्राम तो बीज है वो काफ़ी होते हैं एक एकड़ में लगाने के। बात आती है कि भाई जो वैरायटियां हैं वो अपने पास में कौन सी टॉप वैरायटी रहती है। तो आजकल मार्केट में बैंगन की काफ़ी सारी हाइब्रिड वैरायटियां आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो जो भी अपने एरिया के किसान हैं जो काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कौन वैरायटी है वो अच्छी रहती है। कुछ वैरायटियां हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आती है शेनग्रो कंपनी की 700 के बारे में यदि हम बात करें तो 60 से 70 दिन में ये जो अपनी फसल है वो तैयार हो जाती है। बैंगन होता है उसके बारे में बात करें तो गुलाबी रंग का अपने पास में बैंगन इस पे मिलता है। वजन की उसकी बात करें तो 100 से लेकर के और 120 ग्राम के बीच में जो बैंगन औसत भार है वो पाया जाता है। जो विशेष बात होती है कि जो उच्च टेम्परेचर जब होगा तो इसमें जो रंग धारण करने की क्षमता उस समय भी बनी रहती है। अब दूसरी अपने पास में आती है श्रीराम कंपनी की, एक कुश के नाम से आता है बैंगन का भी। ये 60 से 65 दिन के बाद में जो अपनी फसल है वो आपको दे देगा। और वजन की बात करें 200 से 250 ग्राम का इसमें साइज है, थोड़ा बड़ा होता है आपको बैंगन प्रति में। दूसरा अपने पास में आता है पूसा बिंदु के नाम से एक बीज,
तो इसमें हम बात करें तो ये थोड़ा लेट हमें फसल देती है, लगभग 90 दिनों के बाद में 3 महीने में जो अपनी फसल वो तैयार होती है। इसमें जो बैंगन होता है वो छोटा होता है और साइज में गोल और चमकदार और रंग उसका बैंगनी आपको मिले, डंठल है वो चित्तीदार होंगे और साथ में इसमें प्रति जो हेक्टेयर हम पैदावार की बात करें तो लगभग 30 टन आपको बैंगन है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें मिलता है। दूसरा अपने पास में आता है पूसा का ही एक हाइब्रिड बीज, तो ये भी 90 दिनों में तैयार होता है और रंग है। साथ में हम बात करें पैदावार की तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर इसमें पैदावार है। वजन है जो 200 से और 250 ग्राम के बीच में प्रति बैंगन आपको इसमें मिलने वाला है। पूसा हाइब्रिड 9, तो इसमें भी समय 90 दिनों का ही आपके पास में लगता है और इसमें जो एक विशेषता होती है कि जो पौधे हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, इनमें कैपेसिटी थोड़ी अच्छी आती है, ये जो आटे हैं वो नहीं पड़ते हैं पौधे। फल की बात करें तो अंडे की शेप में इसमें फल आता है, चमकदार बैंगनी इसका जो कलर है वो होता है। साथ में वजन की बात करें तो 300 ग्राम तक के बैंगन है वो आपको इसमें मिलते हैं पूसा हाइब्रिड 9 में। और पैदावार के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो पैदावार है वो इस वैरायटी में देखने को मिलती है। पूसा का ही एक उपकार के नाम से भी आता है जो कि 85 दिन में लगभग आपको जो बैंगन है वो तैयार हो जाता है। 200 ग्राम का इसमें बैंगन आपको मिलेगा और गोल चमकदार और साथ में जो साइज है वो मझोले जो कद होता है उसका आपको इसमें बैंगन मिलता है। और इसमें भी जो 40 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपनी के द्वारा जो पैदावार है वो बताई गई है। सेमिनीस का अपने पास में शैमली एक बीज, तो ये थोड़ी जो जल्दी अपने को जो प्रोडक्शन है वो उसका होने लग जाता है, लगभग 45 और 50 दिन के बाद में जो बैंगन है वो तोड़ने के लिए अपने तैयार हो जाते हैं इसमें। और वजन की यदि हम बात करें तो 90 से 100 ग्राम के बीच में इसमें भी हमें जो वजन है वो मिलता है। और कलर की बात करें तो गहरा बैंगनी इसमें जो कलर है वो आप बैंगन का मिलेगा। यहाँ तक बात हो गई कि भाई जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो कौन सी वैरायटी का बीज लें। तो हम बात करते हैं बीज उपचार की, तो हाइब्रिड कंपनी का यदि आप बीज लेते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कंपनी है वो ऑलरेडी उपचारित करके हमें देती है। यदि हम देसी बीज तैयार करके फिर उससे फसल करना चाह रहे हैं तो उसको आप उपचारित जरूर करें और उसके लिए आप कार्बन डाइजम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से और भी 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप जो ट्रीटमेंट है वो करें। अब हम बात करें जो नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाएगी अपनी, तो जब नर्सरी में आप जो बीज डाल देते हैं तो उसके 25 से और 30 दिनों के बाद में जो पौधा है वो अपनी तैयार हो जाता है। अब हम खेत में इनकी रुपाई की बात करें तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम से कम आप रखें 45 सेंटीमीटर और यदि पंक्ति से और पंक्ति के बीच की बात करें तो 90 सेंटीमीटर दूरी रखें। होता क्या है कि जब किसान शुरुआत में जब रोपाई करते हैं पौध की तब हमें इतना जब खेत हमें खाली खाली दिखता है ना तो कैसे लगता है कि यार खेत तो अपना खाली पड़ा है, तो उस समय किसान भाई क्या करते हैं उनको थोड़ा पास पास कर देते हैं और फिर जब बड़े होते हैं पौधे साइज लेते हैं तो फिर उनमें जो फ्रूट है वो नहीं आ पाते हैं, वो खाली जो पौधे हैं वो ही रह जाते हैं, तो फिर उनसे क्या फायदा। मैं बताना चाहूँगा आपको, सभी किसान भाइयों को रिकमेंड करूँगा कि पौध जब आप अपने खेत में लगाते हैं तो शाम के समय में उसको लगाएं दिन की बजाय, जैसे रात भर में जो उसकी जड़ें हैं वो थोड़ी जम जाती हैं, दिन में क्या होता है कि सुबह लगा दें तो फिर वो धूप में उनका जलने का जो थोड़ा सा खतरा है वो बढ़ जाता है। बात करें भाई उर्वरक या खाद है वो कौन कौन से दें, तो रोपाई करते समय आप 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास, 25 किलो यूरिया, 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 10 किलो जिंक सल्फेट और 5 किलो जो जायम आता है वो, और आप इसमें जो निमोटेड वगैरह की समस्या है तो कार्बोफ्यूरॉन है वो भी 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो दे सकते हैं। तो बुआई के 20-25 दिन बाद हो जाते हैं तो उसके बाद में 20 किलो यूरिया और 10 किलो जो जायम है वो आप दें और 50 दिन के बाद में आप 10 किलो जो NPK आता है 0-52-34 फॉर्म में जरूर इसमें दें और साथ में जो 2 ग्राम बोरोन है वो भी प्रति लीटर के हिसाब से इसमें घोल बना करके और स्प्रे जरूर करवाएं, तो इससे जो अपने हमारी पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होती है। सिंचाई की यदि हम बात करें तो पहली सिंचाई तो पौध लगाने के बाद अपने को करनी है और फिर आवश्यकता अनुसार जितनी भी पड़ती है उस हिसाब से हम इसमें सिंचाई है वो देख लेंगे। खरपतवार की बात करें तो खरपतवार आपको जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि निराई गुड़ाई से यदि हम हटाते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है अपनी फसल के लिए। और रासायनिक रूप से यदि करना चाहें तो पेंटीमेथिलीन आता है जो अपना 30% इसी फॉर्म में वो आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें रोपाई के 72 घंटे के भीतर।
तो जो खरपतवार है उस पर इस तरह से हम कंट्रोल है वो पा सकते हैं। तो फल फूल है वो अच्छे आए, हमारी जो पैदावार है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए 25-30 दिन के बाद में आप 250 ml जो टाटा भारत आता है वो, या जो 250 ml धनजाइम गोल्ड आता है वो आप लेकर के 100 लीटर पानी में उसका जो मिला करके स्प्रे है वो जरूर करवा। अपनी फसल है उसको बीमारियों से कीटों से किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, तो इसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं, जिनमें पहला हम बात कर लें फल गलन के बारे। फल गलन है ये एक फफूंद जनित बीमारी है, कवक के कारण ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना बैंगन है उस पर काले और सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, शुरुआत में छोटे होते हैं, धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं, और जो हमारा बैंगन है वो अंदर से उसका गूदा है वो भी इसमें गलने लग जाता है। तो इसके लिए आप जो मेटालैक्सिल आता है 31.8% ईएस को 2 ml प्रति केजी के हिसाब से जो बीज है उसका उपचार करवाएं बुआई से पहले। साथ में जब फसल हमारी बड़ी हो जाती है तो उस समय आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WP में आता है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके और उसका जो स्प्रे है वो करें। अब हम बात करें नेमाटोड के बारे में, तो इसमें आप पैक्लियोमाइसिस प्रोडक्ट आता है एक अपने पास में 1.15% WP फॉर्म में, तो वो आप 200 जो ग्राम है प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं, जो नेमाटोड है उससे निजात है वो मिल जाता है। उकटा रोग भी बैंगन की फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसमें पौधे अपने अपने आप ही सूखने लग जाते हैं और इसमें हम जो जड़ें हैं वो काली हो जाती हैं पौधों की, तो इससे बचाव के लिए आप 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। फल फूल यदि झड़ रहे हैं ज़्यादा ही मात्रा में, तो उसके लिए फलानोफिक्स जो 4.5% SL फॉर्म में आता है वो 4 ml या 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से घोल बना करके जो उसका स्प्रे है वो फूल आते समय करें, और फिर यदि कुछ रिजल्ट दिखता है तो 15-20 दिन के बाद में उसका जो रिपीटेशन है वो करें। व्हाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्के के बारे में बात करें, तो ये अंडे के आकार वाली जो होती है और ये पत्तियों का जो रस है उसको चूस लेके, जिससे पत्तियां हमारी पीली होकर के मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं, तो इसके लिए आप थाइमेथोक्सिम 25% WG जो आता है उसकी काफ़ी सारी वीडियो है वो अपने चैनल के ऊपर हैं तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना है। हम बात करें चेपा के बारे में, तो यह पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहाँ पर चिपके रहते हैं, और जो पौधे इससे जो ग्रसित पत्तियां होती हैं पीली होकर के सिकुड़ करके और गिर जाती हैं, झड़ जाती है, जिससे जो पैदावार है उसके ऊपर काफ़ी जो विपरीत प्रभाव है वो पड़ता है। तो इससे बचाव की यदि हम बात करें, तो एक तो अपनी जो फसल है उसमें आप खरपतवार ना होने दें, दूसरा जो कीटनाशक हैं उनका स्प्रे समय समय पर करते रहें, और इसके लिए आप जो थाइमेथोक्सिम 25% WG एक्ट्रा आदि में आता है ये, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में एक अपनी इसमें प्रॉब्लम होती है जो सूंडी होती है जो पत्ताओं को खा जाती है बैंगन में, इसके लिए जो एक तो भाई जो इस बार जिस खेत में हम फसल डाल रहे हैं दूसरी बार उसमें ना डालें, दूसरे खेत में डालें, ये ज़रूरी होता है। इसके लिए जो फसल चक्र जिसको बोलते हैं वो अपनाएँ, और हम दवाई के बारे में बात करें तो साइपरमेथ्रिन 25% जो दवा आती है इसी फॉर्म में, उसको आप 60-80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बन के और स्प्रे करते हैं। दीमक की भी समस्या है वो देखी जाती है बैंगन की फसल में, तो इसके लिए एक तो खेत में नमी को बना कर रखें, क्योंकि जब नमी कम होती है हमारे खेतों में तो दीमक है वो ज़्यादा प्रभावित अपनी फसल को करती है। साथ में कभी भी फसल डालने से पहले जो कच्ची गोबर की खाद है उसका यूज़ ना करें, या तो कंपोस्ट खाद लें आप, या जो सड़ी हुई खाद आती है वो खाद लें। दवा के बारे में बात करें तो क्लोरोफायरीफॉस 20% EC जो आता है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, या ड्रेंचिंग के माध्यम से दे दें, इसकी भी जो वीडियो है पहले वो हमने डाल रखी है। माइनर या जो पत्ती सुरंगा कीट आता है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो ये आ जाते हैं पत्तियों को, फिर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सुरंग टाइप में बना लेते हैं, इसलिए इनका नाम है जो लीफ माइनर या पत्ती सुरंग कीट है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है पौधों में उसको काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे फसल के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए दवा के बारे में बात करें तो इमिडाक्लोरोपिड 17.8% जो SL फॉर्म में आती है वो आप 200 लीटर है पानी में
घोल बना करके 60 ml का और 1 एकड़ में इसका स्प्रे है वो करवा दें तो जो पत्ती सुरंग कीट है उनसे निजात मिलेगा। दूसरा, लाल मकड़ी भी बैंगन की फसल में काफी ज्यादा देखी जाती है, तो इसके लिए आप फेंजाक्विन जो आती है 10% ईसी में वो 500 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए घोल बन के और इसका जो स्प्रे है वो करते हैं। फल फटने की जिसमें बैंगन है वो ऐसे खुल जाते हैं अपने फट जाते हैं, तो इसके लिए पहले मैंने बताया कि फसलों में जब बोरोन की कमी होती है तो फिर जो फटते हैं वो, तो इसके लिए बोरोन जो B20 आता है वो 30 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बना करके और इसका स्प्रे। तो ये थे बैंगन की फसल को किस तरह से हमें करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद में आपको बैंगन की खेती के लिए किसी भी तरह की जानकारी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे, तब तक के लिए सभी को राम।